गाइस वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त किरण और आज फिर से आपके सामने लेकर के एक बहुत ही खूबसूरत मेकअप ट्यूटोरियल। दोस्तों आज का मेकअप जो है बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है और आंखों का मेकअप तो बहुत ही इजी है और साथ में बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप बिगिनर्स हैं और अगर आपकी नई नई शादी हुई है दोस्तों, तो आप आराम से ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं अपने ससुराल में, जो कि देखने में बहुत ही डिसेंट भी लगेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और आज का ट्यूटोरियल मेरी फ्रेंड रानी कर रही है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों अपने मेकअप को शुरू करने के लिए सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज करेंगे। यहाँ पे हम ले रहे हैं थियोली का विटामिन सी सीरम, जो कि बहुत ही बढ़िया है। आप इसकी जगह कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद अपने फाउंडेशन पे आते हैं। यहाँ पे एसक्यू स्टिक वेरकी का बहुत ही बढ़िया हमने फाउंडेशन लिया हुआ है। अगर आप जो है बहुत ही बढ़िया मेकअप करना चाहते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा प्राइमर भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं फाउंडेशन के पहले। और उसके बाद यहाँ पे जो है फाउंडेशन को पूरे फेस पे लगा के डैप डैप करके उसको ब्लेंड ज़रूर करें। और फाउंडेशन के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कंसीलर लिया है NYB का, जो कि हम अपने सेंटर ऑफ फेस पे लगाएंगे, जैसे आंखों के नीचे, अपने लीड पे, फोरहेड पे और अपने होंठ के चारों साइड। और इसको लगा के बहुत ही अच्छे से यहाँ टैप टैप करके ब्लेंड करेंगे ब्यूटी स्पंज की मदद से। और इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से फिक्स करेंगे। NYB का कॉम्पैक्ट पाउडर है, उसकी मदद से अपने फेस पे, गर्दन पे काफ़ी अच्छे से फिक्स कर लेंगे, ताकि आपका जो है कॉम्पैक्ट जो फाउंडेशन है बिल्कुल भी क्रीज ना हो, कंसीलर क्रीज ना हो, तो इसको बहुत ही अच्छे से फिक्स करें। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों LA कलर्स का हमारा ब्राउन कलर का जो बहुत ही अच्छा आईब्रो पेंसिल है, तो अपने आईब्रो को थोड़ा सा जो है क्लीन करें, मतलब काफ़ी अच्छे से अगर लाइन करके उसको अच्छे से ब्रश की मदद से सेट करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टार मेकर्स का बहुत ही बढ़िया हमारा आई शेडो पैलेट है, तो उसमें सबसे पहले हमने ट्रांजिशन कलर के लिए वह हल्का सा ऑरेंज वाला शेड है वो ले लिया है। और ट्रांजिशन एरिया पर इसको लगा लेते हैं, इससे क्या होगा आपका लुक बहुत ही सुंदर आएगा। और कोई भी फ्लफी ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड आउट करें। उसका सेकंड कलर के लिए हमने उससे हल्का सा जो डार्कर टोन लिया है, ये हमारा हल्का सा पीच वाला जो लुक है, क्योंकि आज का जो लुक हमने क्रिएट किया है पीच वाले साड़ी पे किया, इसलिए हल्का सा पीच वाला लुक लिया है और बहुत ही अच्छे से हमने लीड पे लगा लिया है उसको। अब चलते आगे, यहाँ पे कलर बार का हमारा जो है ब्लैक कलर का बहुत ही सुंदर डीप ब्लैक काजल है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया काजल है, स्मज प्रूफ है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहता है। आप ये वाला काजल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है। तो इसको हमने जो है वाटरलाइन एरिया पे लगा लेंगे। और उसके बाद हम चलते हैं हमारे लाइनर के लिए। तो NYBE का हमने यहाँ पे लाइनर लिया हुआ है, थोड़ा सा सुंदर, बहुत ही अच्छा से यहाँ पे आप जो है विंग लाइनर क्रिएट करते हुए लाइनर लगाएं। अगर विंग लाइनर चाहते हैं क्रिएट करना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वीडियो का। अब चलते हैं, हमने ये लिया है सेम आई शेडो पैलेट में से, हमने ग्लिटर वाला शेड लिया है, क्योंकि बहुत ही प्लेन प्लेन आई शेडो लग रहा है, तो बिल्कुल हल्का सा आपको हाथ की मदद से अपने आई लिड पे इसको रख देना है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। मस्कारा लेते हैं। मस्कारा हमने लिया हुआ है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया ब्लू हेवन का मस्कारा है, तो मस्कारा कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप लोअर लैशेस पे भी मस्कारा कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो है ऑफलाइन जो है हमारा जो है फॉल्स लैशेस का इस्तेमाल करना है। फॉल्स लैशेस लगाने से आपका लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव हो जाता है। फिर सेम हमने आई शेडो जो ऊपर लगाया, हमें सेम लोअर लैशेस पे भी लगाएंगे पीच कलर का, और साथ के साथ ही फिर लोअर लैशेस पे भी मस्कारा करेंगे। मैबलिन का यहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छा कंटूर पैलेट है, तो हमें दोस्तों कंटूर ज़रूर लगाएं अपने फेस पे, कंटूर या फिर ब्रॉन्जर, इससे आपके फेस में थोड़ा सा वॉर्म्थ ऐड होता है। और कंटूर करने से आपका फेस में थोड़ा सा शेप दिखता है, अगर आपकी नाक की थोड़ी सी मोटी है बहुत ही ज़्यादा, तो उसकी मदद से आप शेप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलर बार का है बहुत ही हमारा जो है ब्लश है, तो फेस में थोड़ा सा स्माइल रखते हुए ब्लश लगाएं, जिससे आपका फेस और भी सुंदर लगेगा और भी अट्रैक्टिव लगेगा। लास्ट में चलते हैं हाइलाइटर के लिए। तो यहाँ पे मेबलिन मास्टर क्रोम का हाइलाइटर है, यहाँ पे गोल्ड वाला शेड है, इसको लगा लेते हैं। और जहाँ पे भी आपके हाई पॉइंट्स है वहाँ पे लगाएं, जिससे नाकों के ऊपर, फोरहेड पे, गालों पे और आपके आई के कॉर्नर पे और आईब्रो के नीचे, इन सभी जगहों पर जो है हाइलाइटर ज़रूर लगाएं। हाइलाइटर लगाने से आपका लुक जो है और भी सुंदर और अट्रैक्टिव हो जाता है इस तरीके से। और अब चलते हैं लैक्मे का, यहाँ पे हमने लिया है बहुत ही सुंदर पीच कलर का हमारा जो है लिपस्टिक है, क्योंकि लुक जो है पीच वाला लुक थोड़ा सा क्रिएट किया हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल नेचुरल सा लुक भी क्रिएट होता है। लॉरियल का इन्फ्लेमेबल मेकअप फिक्सर है, इसकी मदद से अपने मेकअप को फिक्स कर देते हैं, तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन आज का लुक क्रिएट हुआ है, बहुत ही डिसेंट लुक है दोस्तों। आपकी अगर नई नई शादी हुई है तो आप ये लुक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हैवी लुक नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट लुक है, बहुत ही बढ़िया लुक है, और अगर आपका रंग गोरा है तो और भी सुंदर लगेगा। आप ज़रूर ट्राई
कीजिएगा और बताइएगा जरूर कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल आई लुक है और साथ के साथ ही मेकअप भी बहुत ही सुंदर होता है। इस तरह का आप हेयर स्टाइल करें, आपके अपने जो भी इयररिंग्स वगैरह वो पहने, साइड का पार्टीशन निकाल के आप कर सकते हैं, बीच का पार्टीशन निकाल के जैसा भी मन हो वैसा हेयर स्टाइल बनाइए, सभी इस पर बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप मुझे फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप सबसे फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून।